और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा साहब का जहां जन्म हुआ था मऊ में, वो सेना की जगह थी। हमारे संविधान निर्माता का जहां जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में, वो सेना की संपत्ति थी। और हर वर्ष जब बाबा साहब का जन्म होता था या उनका पुण्यतिथि होती थी तो वहां सेना के मेहरबानी से खुलता था, वहां लोग जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। मुझे भी जाने का मौका मिला, स्वर्गीय राजीव गांधी गए, मुझे भी साथ ले गए, बहुत सारे लोग कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के भी, दिल्ली से भी गए। जब हमने वहां देखा तो वहां से लौटने के आकर, मैं पार्लियामेंट में थी, मैंने संसद में इस बात को उठाया और करीब आप ताज्जुब करेंगे 40-45 सांसदों ने लिख के दिया। उसमें बहुत सारे दूसरे समाज के भी थे, ब्राह्मण भी थे बहुत सारे, जिन्होंने हस्ताक्षर किए और सरकार को दिया कि ये मऊ की जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए सेना से और वहां की जो बाबा साहब की जन्मोत्सव समिति है उसको दिया जाए। और बाद में काफी संघर्ष के बाद उसको मिल गया। और ये इंद्रेश कचवैया जी इस बात के साक्षी हैं, वहां अब तो काफी कुछ काम हुआ है, गर्व होता है वहां जाकर, वहां देखने पर गर्व होता है। तो साथियों, ये बड़े संघर्ष से आज का दिन देखने को मिला है। पिछली सरकार ने भी काफी काम किया था लेकिन इस सरकार ने उसको आगे बढ़ने का काम किया, तो मैं इस सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बाबा साहब ने जिस काम के लिए अपना पूरा जीवन यापन, जीवन संघर्ष किया, लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, जतिया जी आप सरकार में हैं, आज हम देखते हैं कि रोज अखबार पढ़ते हैं एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, कोई हाई कोर्टों में करता है, कोई कहीं करता है, इसलिए उस उत्पीड़न को जारी रखने के लिए। लेकिन अगर हम लोग इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो समझ लीजिए बाबा साहब का सपना और आंदोलन पूरा नहीं रहेगा, अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है और विशेष तौर से जटिया साहब सरकार में है, इनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को मजबूत कर और इसको नवी सूची में डाले। 9th सूची में डालने के बाद किसी भी कोर्ट में कहीं उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, यही वजह है। तो साथियों, आज मैं सरकार से भी कहूंगी, रहा केजरीवाल जी का, पिछले कुछ दिनों पहले थोड़ा परेशानी हुई थी तो मैंने कह दिया था कि केजरीवाल बंगला खाली करो कि जनता आती है। अगर विधान डाला, अगर परेशानी पैदा की तो आप इसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। आज हम उनसे विनम्रता से आग्रह करते हैं कि आइए, आपका नहीं है ये बंगला, सरकार का है, स्वेच्छा से अपने कार्य काल के समय ही बाबा साहब के लिए समर्पित कर दीजिए, बाबा साहब के लिए समर्पित कर दीजिए और उसका विधानसभा से प्रस्ताव ला कर दे दीजिए, आपके ऋणी रहेंगे। साथियों, बड़े कठिन रास्ते हैं, गजभैया जी संघर्ष करते रहे। मैं सरकार से कहूंगी कि जिस तरह से व्यवधान आज भी सरकार लोगों के लिए दे रही है, आज भी सरकार व्यवधान दे डाल रही है, क्यों नहीं है 6 दिसंबर को या 14 अप्रैल को इसको ताला खुलता, क्यों नहीं जनता के लिए दूर दूर से आते हैं? आज कोई तमिलनाडु से आ रहे, कोई कर्नाटक से आ रहे, कोई गुजरात से आ रहे, कितने लोग हैं, क्यों नहीं इस भवन को सुबह से खोला जाता है? सुबह से खोल कर इसको आगे से, हमेशा सुबह से खोल कर लोगों की को आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, वहां दर्शनों की सुविधा होनी चाहिए। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी और जटिया जी से भी कहूंगी, मैं हमेशा आपके साथ हूं,
आपके धन्यवाद देती हूँ। अभी 16 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ था पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में हिंदी का प्रोग्राम किया था, उसमें जटिया जी ही हमारे मुख्य अतिथि थे। साथियों, रास्ते में संघर्ष बहुत है। बाबा साहब ने जहां पर छोड़ा था उसे थोड़ा 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 आगे बढ़े। आज राजनीतिक क्षेत्र में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है बाबा साहब के आंदोलन के या उनके उसूलों के खुलेआम खुल्लम खुल्ला उसका विरोध कर सके। आज कोई किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं। हम जहां जाते हैं, चाहे आप सड़क से निकलिए चाहे रेल से निकलिए, हर गांव में जिधर नजर जाएगी बाबा साहब की प्रतिमा जरूर दिखाई दे जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमा जरूर दिखाई जाएगी। और देश का कोई भी अन्य नेता, मैं चुनौती के साथ कहती हूँ, देश के किसी भी नेता का ये इतना सामाजिक स्तर या ओहदा इतना बड़ा नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे बीच में और हमारे, मैं अनुरोध करूंगी गजभैया जी से और ये भी कहूंगी आज इस सभा के सामने कि गजभैया जी ने अपना जो भाषण का जो वापस लिया वो वापस नहीं लेंगे, अपनी बात रखेंगे। या लोग दूर दूर से सुनने आए हैं इसलिए आपको ये अनुमति नहीं दी जाती कि आप अपने भाषण को वापस करें। साथियों, इसलिए मैं बात खत्म करती हूं और आपसे अनुरोध भी करती हूं, आपका अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करती हूं कि जहां जहां से आए हैं और जहां जहां जाइए बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का लक्ष्य याद रखिए, उस पर चलिए, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको कभी क्षमा नहीं करेंगी। आज देखिए धर्म के नाम पे क्या हो रहा है। जो धर्म के नाम पे धर्म होता था, बाबा साहब भी दुखी थे, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं है। आज धर्म के नाम पर पूरे देश भर में जो माहौल बन रहा है इस बात से डर लगता है। मैं कहती हूं कि इस सभा मंच से कि जहां पर राम मंदिर बने तो किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन राम मंदिर जहां बने वहां शंभू का भी प्रकरण होना चाहिए। अरे, दलित समाज का एक महर्षि तपस्या कर रहा था, बेकसूर को मर्यादा पुरुषोत्तम ने मारकर उसका वध करते, कौन सी मर्यादा ने भाई थी ये बताया, ये भी बताना चाहिए, तभी तो मर्यादा सामने आएगी। साथियों, अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए आप सबको अनुरोध करती हूं कि भविष्य में ये काफिला आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।